चाहे यातायात के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ग्राउंड रियलिटी को सामने ला रहे हैं। किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये मुनीम है, यहाँ के एक मुनीम को हटाया, दूसरा रखा, तीसरा मुनीम हटाया, तीसरा रखा, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बनाने में व्यस्त है। आज देख रहे हैं रोड की हालत बदतर है, स्वास्थ्य सेवाएं बदतर है, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता। क्या लगता है कि 2022 में उस सीट पर आप फिर विजयी होंगे, लेकिन रोड है कहाँ? ऐसा झूठ का पुलिंदा ये भाजपा ही कर सकती है, हम झूठ नहीं बोल सकते। पलायन लगातार जारी है, शिक्षा का स्तर बड़ा नहीं है, रोजगार बड़ा नहीं है, काम कब होगा? वो लोग तो परेशान आज भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे सत्ताधारी पार्टी भाजपा हो या विपक्ष में कांग्रेस, दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनाव के रंग में उत्तराखंड अब रंगने जा रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतराम जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो चुनाव नजदीक है, इस बार कांग्रेस कैसे 57 की जो बहुमत से भाजपा जीती थी उसको जीत पाएगी? देखो, 57 में तो दो कम हो गए, माइनस हो गए उनके, अब जो है दो क्यों तीन हो गए कम जो है, अब जो है 54 ही रह गए उनके, और 54 में भी अभी पाइपलाइन में है, और कम घट सकते हैं, और ये संख्या चुनावों तक और चुनावों के बाद भाजपा जो है मेरे ख्याल से ढाई के अंक, इकाई के अंक तक नीचे आ सकती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल का इनका कार्यकाल रहा, जो विफलताओं का ये कार्यकाल रहा, उसको चाहे आप बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, चाहे महंगाई के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे यातायात के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। किसी में भी कोई कार्य उसमें नहीं हुआ, किसी भी क्षेत्र में आपने देखा होगा, आप भ्रमण कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड रियलिटी को सामने ला रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी जो है, कहने के लिए जो है, एक मुख्यमंत्री जी बनाए हैं, तो किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये मुनीम है, यहाँ के एक मुनीम को हटाया, दूसरा रखा, तीसरा मुनीम हटाया, तीसरा रखा, और इनका और कोई काम नहीं है, जो जो हाईकमान चाह रहा है वो बदलते जा रहा है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बनाने में व्यस्त है। उत्तराखंड में जिस तरह से इन्होंने डबल इंजन की सरकार में कहा था कि हम विकास करेंगे, आज देख रहे हैं रोडों की हालत बदतर है, स्वास्थ्य सेवाएँ बदतर है, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता नहीं है, तमाम क्षेत्रों में जो है पेयजल के, इन्होंने कहा कि हम पेयजल लाइन लगाएंगे, तो पानी तो नहीं दिया उसमें, खाली नदी नल दिए, तो इन्होंने नल दिए, कांग्रेस सरकार जल देगी। तो ये जो है इनकी जो विफलताएं हैं, तमाम विफलताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की, और जनता आज मन बना चुकी है, जनता जो त्रस्त है इनके, उससे आज निश्चित रूप से जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है और कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, जो कांग्रेस एक विकल्प भी हो उत्तराखंड में, और जनता को पता है कि कांग्रेस ही इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है, ये निश्चित तो है। कांग्रेस ही इस प्रदेश की जनता के हक में काम कर सकती है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन सर, एक बड़ी चीज़ ये भी है कि आप भी थराली विधानसभा चुनाव एक बार चुनाव हारे, उसके बाद उपचुनाव हारे, क्या लगता है कि 2022 में उस सीट पर आप फिर विजयी होंगे? देखिए, 2017 का जो चुनाव हुआ था, हमने उस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे, लेकिन जिस तरह से जनता को बहकाया गया, डबल इंजन की सरकार कह गई, और जिस तरह से चार धाम जो रूट है उसको कहा ऑल वेदर रूट कहा, वो ऑल वेदर रूट तो कहीं नहीं है। आप जा रहे होंगे, आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहुँचे और देख लीजिए, कहीं अगर ऑल वेदर रोड लिखा है, चार धाम योजना लिखी है, तो उस चार धाम योजना ने कहा डबल इंजन की सरकार लाएंगे और हम पूरा उत्तराखंड का विकास करेंगे। जनता इस धोखे में आई कि वास्तव में डबल इंजन की सरकार लगेगी, केंद्र सरकार उत्तराखंड को फंड करेगी और उत्तराखंड का त्वरित विकास होगा, तीव्र विकास होगा, ये अपेक्षा जनता ने की। इसलिए हम 2017 में नहीं, 2018 में इन्होंने जो है जिस तरह से रोना धोना किया और जनता को भावनाओं में बहलाया,
तो बहुत मार्जिन, बहुत कम मार्जिन था, 17-18-1900 वोटों का बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है। एक से ओर सरकार थी और दूसरे ओर हम लोग थे, तो इसलिए सरकार के विपक्ष में, और वो भी एक मृतक आश्रित को उन्होंने टिकट दिया और वह उसके आंसुओं में जनता, हमारी पहाड़ की जनता है, भावनाओं में बह गई, तो उनकी वो बहुत बड़ी जीत नहीं है। जनता आज ठगी हुई महसूस कर रही है और थराली विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने मन बना रखा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बदलना है और तभी इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। लेकिन सर, जो क्षेत्रीय विधायक हैं वहाँ की, मुन्नी देवी जी, वो तो कह रही हैं कि रोडों का उन्होंने जाल बिछा दिया है, हर घर तक वो पानी दे रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था सुधरी है उस क्षेत्र की, और शिक्षा व्यवस्था तो इतनी बेहतर हुई है कि कांग्रेस सरकार अगले 15 सालों तक में वो व्यवस्था नहीं कर सकती है। मैं ये कहता हूँ कि वो ये बता दे, उसका एक स्कूल का अगर उच्चीकरण थराली विधानसभा में हो तो वो बता दे हमको, या वो कोई एक स्कूल को बता दे जिसने कि उसमें टीचर्स को पूर्ण का दिया हो, इंटर कॉलेज हो चाहे डिग्री कॉलेज हो। तीसरा, इन्होंने केवल उसमें नल लगाए हैं, खाली नल, उसमें पानी नहीं है। चौथा, जो रोड नेटवर्क कह रही है, इसने कहा था कि 11, जो विधायक माननीय विधायका जी ने कहा था कि 11,000 किलोमीटर सड़क बना दी, और चमोली जनपद का कुल क्षेत्रफल 8,000 स्क्वायर किलोमीटर, इसने कहा कि लेंथ में कहा कि 11,000 किलोमीटर सड़क बना दी, चमोली जनपद का 8,000 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग क्षेत्रफल है, तो वो सड़कें इतना भी उनको पता नहीं है कि 8,000 किलोमीटर चमोली का जनपद का क्षेत्रफल है और 11,000 किलोमीटर बना दी, तो उसमें तो आप खुद ही सोच लीजिए उसमें कि किस तरह की बातें हो रही है उस क्षेत्र में। सड़कों की बात तो छोड़ दे, एक भी सड़क उसने नहीं स्वीकृत करी है। जितनी सड़कें हैं हमारे समय में स्वीकृत है, उसका शासनादेश, मैं तो शासनादेश भी दिया है प्रेस में, मैंने कहा ये शासनादेश है, इन शासनादेश के अंतर्गत इन इन सड़कों की स्वीकृति है। अभी भी हमने शासनादेश जो जब कभी कोई कहे, हम उस शासनादेश को प्रस्तुत कर देंगे, कितनी सड़कों की स्वीकृति शासनादेश हमने कराया, वो बता देना किस सड़क का शासनादेश उन्होंने करा। वो तो सर ये बात भी कह रहे थे कि आपके समय में जो स्वास्थ्य की स्थिति थी उस विधानसभा में बहुत बदहाली की स्थिति में, और आज सभी सेंटर्स पे डॉक्टर मौजूद हैं और दो दो डॉक्टर वो लगभग सभी क्षेत्रों में दे चुके हैं, आपके ये समय में तो डॉक्टर ही पहाड़ नहीं चढ़ते थे। जी ऐसा है, स्वास्थ्य समस्याएं, हमने उस समय यहाँ स्वास्थ्य कैंप लगवाए थे, डॉक्टरों की समस्या थी मैं मानता हूँ, लेकिन हमने यहाँ पर बाहर से देहरादून से एक्सपर्ट डॉक्टरों के कैंप लगाए, मैंने थराली के अंदर कैंप लगाया और उसके बाद हमने डॉक्टरों की यहाँ पर कमियों को पूरा करने का काम किया। आज जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, एक एक्सरे अभी मेरे साथ गाड़ी में आ रहे थे, वो एक अल्ट्रासाउंड के लिए रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, उस क्षेत्र में आज तक 4-5 साल की स्वास्थ्य की बात करते, एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं लगा पाए, एक कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए, ये कोई सुविधा नहीं दे पाए, वो डॉक्टर हैंडीकैप बैठे हुए हैं, जो हमने भी कुछ तो हमने ही नियुक्त किए थे, कुछ इनके समय में नियुक्तियां प्रक्रिया तो ऐसा ना, विकास तो सतत चलता, नियुक्ति क्या प्रक्रिया हमने शुरू की थी, नियुक्तियां इनके समय में हुई होगी, लेकिन वो भी संपूर्ण नहीं है। CSC है थराली के अंदर, कितने डॉक्टर, 2 डॉक्टर सफिशियंट थोड़ी है, 8-9 पोस्ट है थराली के अंदर है, क्या उन्होंने 9 डॉक्टर दे रखे हैं वहाँ पर। देवाल के अंदर कई डॉक्टर बदल चुके हैं, नारण बगड़ के अंदर एक डॉक्टर बैठा है, तो स्वास्थ्य जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं। हमने अपने कार्यकाल में, मैंने पहला फोकस, क्योंकि हमारे यहाँ रोड नेटवर्क नहीं थी, 25 साल से BJP ने शासन किया उस क्षेत्र में, लेकिन सड़कें नहीं बन पाई, मैंने 5 साल के कार्यकाल में पहले सबसे बड़ा सड़कों का जाल बिछाया, तमाम सड़कों के जो 60 से अधिक सड़कों को मैंने स्वीकृत कराया, जो है जिस दिन आप चाहेंगे मैं उसका शासनादेश आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ। और उसके बाद सर, रोडों का जाल आपने भी बिछाया, उन्होंने भी बिछाया, लेकिन रोड हैं कहाँ? लोग आज भी रोडों के लिए परेशान हैं, कई गाँव में रोडें नहीं पहुंची है, तो वो उसका कारण क्या है कि वो केवल कागजों में ही रोडें हैं, आपके समय की भी और उनके समय की भी, या धरातल में भी कुछ काम हुआ है? मैं बताता हूँ आपको, नलगांव भटियाणा सड़क बन चुकी है, नलगांव कंडारा सेंच खेतोली सड़क बन चुकी है, नलगांव गंडी कपोली सड़क कटिंग चल रही है, मींग अधेरा करचुड़ा है, पंथी से हंसकोटी है, मींग अधेरा से बैनोली सड़क है, ग्वालदम से खंपाधार सड़क है, वाण में सड़क है, आपका बेराधार में सड़क है, आपका कुराड़ और पार्था में सड़क है, आपका रुशांस में सड़क आगे बढ़ी है, मैं सड़कों के नाम बता रहा हूँ, घाट के अंदर आपका बंगाली के अंदर सड़क है, वो बता देना किसी सड़क का जियो दिखा दो और मैं मान जाऊँगा कि हाँ उसने एक मेजर सड़क है। खेता मानमती की सड़क हमने स्वीकृत कर शासनादेश कराया है,
और आज उन जो सड़कें हमने की उन सड़कों को कह रहे हैं 11,000 किलोमीटर। आप भी तो कोई पढ़ा लिखा ये समझे कि 11,000 किलोमीटर सड़क थराली विधानसभा के अंदर बनी, 8,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहा हूँ चमोली जनपद का एरिया है, वो सड़कें कहाँ बनी? ऐसा झूठ का पुलिंदा ये भाजपा ही कर सकती है, हम झूठ नहीं बोल सकते, ये भाजपा ही करती है इतना बड़ा भयंकर झूठ। और मुझे बताए ना, मैं आज हर गाँव में सड़क है, किस गाँव में नहीं, रेई में सड़क है, खैनोली में सड़क है, लेकिन वो सड़कों की हालत बदतर है जो इनको मेंटेन करना था। मैंने सड़कें स्वीकृत कराई, उन पर काम कराया, लेकिन उनको डामरीकरण का काम, उनको उनका रख रखाव का काम इस सरकार को करना चाहिए था, लेकिन आज डामरीकरण नहीं है, रख रखाव नहीं है, कई सड़कें जो लैंडस्लाइड के कारण बंद है, इसलिए आपको नहीं तो हमने हर क्षेत्र में केवल कहीं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सड़क बची होगी, मेजर सड़क कोई भी नहीं है, वो सब मेजर सड़क कोई भी नहीं। सर एक समस्या बहुत ज़्यादा है पलायन के क्षेत्र में, किसान वहाँ किसानी नहीं कर पाता है क्योंकि सरकार का सपोर्ट नहीं है, जिस जो भी राजनेता रहा, चाहे आपकी सरकार में आप रहे, बीजेपी की सरकार में कोई और रहा, लेकिन जो किसान हैं वो आज भी उस क्षेत्र में परेशान हैं, पलायन लगातार जारी है, शिक्षा का स्तर बड़ा नहीं है, रोज़गार बड़ा नहीं है, तो उस क्षेत्र में ना आपकी आपकी सरकार ने काम किया ना बीजेपी ने काम किया, ऐसा आपका कहना है, लेकिन काम कब होगा? वो लोग तो परेशान आज भी नज़र आ रहे हैं। देखिए हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ, विकास कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है। मैंने कहा मैंने रेड रोडों का नेटवर्क किया पहले फेज में, क्योंकि मेरा पहला टर्म था, सबसे बड़ी समस्या लोगों को यातायात की थी, क्योंकि जब यातायात होगा तभी आपका अधिकारी जाएगा, कर्मचारी जाएगा, स्कूल टीचर जाएगा, मेडिकल सुविधाएं तभी पहुंच पाएंगे जब आपके पास रोड नेटवर्क होगा। तो हमने पहला काम किया रोड नेटवर्क का, हमको आगे समय मिलता तो हम स्वास्थ्य के उसमें देते, शिक्षा के उसमें क्षेत्र में देते, और मजबूत शिक्षा है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने, हमने 15 स्कूलों को हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से इंटरमीडिएट 15 स्कूलों का उच्चीकरण किया। इन्होंने खोले थे, बीजेपी ने 2009-10 में खोले थे, इन्होंने खाली प्रशासनिक स्वीकृति दी थी, वित्तीय स्वीकृति 4 स्कूलों को हमने वित्तीय स्वीकृति दी, 9 स्कूलों को जो निजीकरण प्राइवेट स्कूल चल रहे थे जिसमें शिक्षक 1,000-2,000 पा रहा था, हमने उनको एडेड ग्रांट दिलाई। तो हम कांग्रेस कहाँ पीछे थी बताइए ना उनको, आपके आप हमारी जनता को आपने कल पूछा होगा, आपको बताया होगा, आप जनता से पूछिए कि इस क्षेत्र का विकास किसने किया, किसने स्कूलों का उच्चीकरण किया, किसने तमाम सड़कों का निर्माण किया, तमाम मूलभूत सुविधाएं दुवाएं, और एक साथ उन्हें हम तो स्टेप बाय स्टेप रोड नेटवर्क होगा, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी और सब कुछ होगा, वो कांग्रेस ही कर सकते हैं। इनका शासन 25 साल उत्तराखंड के बनने के बाद लगभग 15-16 साल बीजेपी को हो गया। आप आगे का क्या रोड मैप रहेगा, आपको मौका मिलता है तो किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे, सबसे मूल मंत्र क्या रहेगा उस क्षेत्र के लिए? भाई देखो जो हम आगे जो हमारा एजेंडा रहेगा, जो हमारा विकास का सोच है, मेरा तो विधायक बनना महत्वपूर्ण नहीं है, क्षेत्र का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और विधायक एक माध्यम है उस विकास के लिए। और निश्चित रूप से जो सड़कों की हमारी स्थिति है उस स्थिति को सुधारना, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र है। जो अभी आपने पलायन की बात कही, वो पलायन का मेन रीज़न शिक्षा और स्वास्थ्य है, अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे तो मेरा अगला रोड मैप जो रहेगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको सुदृढ़ करना और यातायात को और मजबूत करने का मेरा कार्य रहेगा, ताकि सर्वांगीण विकास उस क्षेत्र का हो सके, तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके, बेहतर विकास हो सके, ऐसा प्रोफेसर जीतराम जी का कहना है। लेकिन अब देखना होगा 2022 चुनाव में किस तरीके से जनता अपना मत भाजपा या कांग्रेस को देती है और किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। कैमरामैन सागर बिष्ट के साथ मैं सुभाष कौर, न्यूज़ वर इंडिया। चाहे यातायात के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ग्राउंड रियलिटी को सामने ला रहे हैं। किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं मुनीम है, यहाँ के एक मुनीम को हटाया, दूसरा रखा, तीसरा मुनीम हटाया, तीसरा रखा, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बनाने में व्यस्त है। आज देख रहे हैं रोडों की हालत बदतर है, स्वास्थ्य सेवाएं बदतर है, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता। क्या लगता है कि 2022 में उस सीट पर आप फिर विजयी होंगे, लेकिन रोड है कहाँ? ऐसा झूठ का पुलिंदा ये भाजपा ही कर सकती है, हम झूठ नहीं बोल सकते। पलायन लगातार जारी है, शिक्षा का स्तर बड़ा नहीं है, रोजगार बड़ा नहीं है, काम कब होगा? वो लोग तो परेशान आज भी नजर आ रहे हैं।